ओ यार बाईस टाउन पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोगों को जल्दी से टिप्सन के पास जाना होगा। तुम लोग तो यार जानते हो उस गोस्ट राइडर ने मेरे को कहा था कि रोपीरो फटाफट से बम्बल भी रोबोटिक कार लेकर आ, वरना मैं पूरे बाईस टाउन के ऊपर ये जोम्बीज छोड़ दूंगा। बहुत सारे जोम्बीज थे, पर कोई नहीं यार, हम लोगों ने बम्बल भी कार को दे दिया। लेकिन वो बम्बल भी कार उस घटिया ईविल हल्क की थी जो मेरे को ना छोड़ेगा अब। पर एक मिनट यार, ये सब क्या हो रहा है इधर? अबे घटिया सोल्जरों, यारों, ये जरूर है ना इस टाइगर टाउन के होंगे। इन लोगों की तो ऐसे कम तैसी, निकलो इधर से घटिया इंसानों। यारों, ये ईविल हल्क की सिटी के लोग यहाँ पर आ जाते हैं कतई बाईस टाउन के लोगों को परेशान करने के लिए। खैर ये सब छोड़ो, हम लोगों को टिप्सन के पास जाना है यार। यारों जल्दी से चलते हैं टिप्सन के पास और उससे पूछते हैं अब क्या करें। अगर हम लोगों ने जल्दी से कुछ नहीं किया तो कतई पूरे बाईस टाउन में वो ईविल हल्क गदर मचा देगा यार। ओए टिप्सन, रोपिनो तू इधर, टिप्सन कुछ कर, ईविल हल्क अपना बदला जरूर लेगा। अबे एक मिनट, टिप्सन को क्या हो गया? अभी वो तो सो रहा था अच्छा खासा, खड़े खड़े पुलिस वालों ने उसको क्यों मार दिया? यारों इन पुलिस वालों के निशाने बहुत ख़राब हैं। अरे निशाना छोड़ो, यहाँ पर जिंदा इंसान को पेल दिया इन पुलिस वालों ने। भाग रोपीरो भाग, वरना ये तेर को भी ना छोड़ेंगे। यारों टिप्सन तो गया, अब हम लोग अपनी जान बचाते हैं। अब उतर यहाँ से। यारों मेरे दिमाग में ईविल हल्क से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है और वो है बाईस टाउन का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस, एक रोबोटिक मिलिट्री बेस। यारों मिलिट्री बेस तो हम लोग बाद में बनाएंगे जब इन पुलिस वालों से बचेंगे। पहले नंबर भाग लेते हैं फटाफट से इधर, जो होगा बाद में सोचेंगे। अबे भागो रे भागो इधर से। यारों एक काम करता हूँ, यहीं पर कहीं पर दुपक जाता हूँ क्योंकि शायद यहाँ पर पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। हाँ यहाँ पर सब ठीक है। ओए उस पुलिस वाले को क्या हुआ? पुलिस की गाड़ी उड़ा दी। खैर ये सब छोड़ो, लेकिन मेरे को तो मिलिट्री बेस बनाना आता ही नहीं है, अब क्या करूं? यारो मिलिट्री बेस तो सिर्फ एक ही इंसान मस्त बना सकता है और वो है विलन, डेंजरस विलन। लेकिन डेंजरस विलन तो अपने घर गया हुआ है, बाईस टाउन में तो है ही नहीं। यारों अगर हम लोगों को मिलिट्री बेस बनाना है तो हम लोगों को न्यू डेंजरस विलन के पास जाना होगा और उससे कहना होगा कि हमारे लिए एक न्यू रोबोटिक मिलिट्री बेस बना। क्या मस्त आइडिया है यारों, हम लोग चलते हैं न्यू डेंजरस विलन के पास और उससे कहेंगे कि भाई तू मेरे लिए फटाफट से मिलिट्री बेस बना। ये मस्त आइडिया है, जल्दी से चलते हैं न्यू डेंजरस विलन के पास। तुम लोग तो जानते हो न्यू डेंजरस विलन कितना ज़्यादा होकार है। इससे पहले वो उल्टी सीधी हरकतें करें, हम लोग जल्दी से चलते हैं उसके पास। वैसे तुम लोग तो जानते हो यार न्यू डेंजरस विलन बाईस टाउन में कहाँ पर रहता है, और अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं यार, मैं जा तो रहा हूँ उसके पास। यारों ये पुलिस वालों ने तो कतई मेरे को घेर लिया। तुम लोग जानते हो न्यू डेंजरस विलन बाईस टाउन के सिनेमा हॉल की बिल्डिंग में रहता है, उन जोम्बीजों के पास। यारों तुम लोगों को मालूम है? अबे रुक जा यार रुक जा, ओह बच गई। जो कि न्यू डेंजरस विलन है ना, उससे तो यार जोम्बीज भी डरते हैं, वो जोम्बीजों से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अबे शिट, नहीं यार एक जंप नहीं लगा पाती है मेरी सुपर कार, क्या घटिया कार है रे। छोड़ो जल्दी से भाग लेता हूँ। अबे जल्दी चल ऊपर, थोड़ा सा और चढ़। हाँ चढ़ गई। यारों अब फटाफट से चलते सिनेमा हॉल की बिल्डिंग के पास। कहाँ पर है सिनेमा हॉल की बिल्डिंग? तुम लोगों को दिख रही है क्या? शिट, अब यार बार बार ठोक ठोक के मेरी गाड़ी की कतई ऐसी की तैसी हो चुकी है। जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। वो देखो यार आखिरकार सिनेमा हॉल की बिल्डिंग हम लोगों को दिख ही गई, कतई एक स्टंट तो बनता है। अबे नहीं यार, बार बार ठोक ठोक के गाड़ी में से धुआं भी निकलाया। यारों हम लोगों को अपना मिशन पूरा करना है, जल्दी जाना पड़ेगा उस न्यू डेंजरस विलन के पास और उससे कहना होगा कि मिलिट्री बेस बना। अबे हट जा लड़की, बना मारूंगा तेरे को। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, न्यू डेंजरस विलन हमारे लिए मिलिट्री बेस बनाएगा? कुछ कह नहीं सकते। खैर जो भी हो वो तो जाकर ही मालूम चलेगा। ये है सिनेमा हॉल की बिल्डिंग। चलो यार फटाफट से चलते हैं इसके अंदर उस न्यू डेंजरस विलन के पास। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ओए न्यू डेंजरस विलन,
ये मोटा कौन है? अबे तू डेंजरस विलन है क्या? नहीं यार ये नहीं है, वो देखो हम लोगों को न्यू डेंजरस विलन दिख गया भाई, तेरी तो कम तेती। अबे न्यू डेंजरस विलन, ये तो बहुत गुस्से में है। अबे ठंडा हो जा, मैं देख तेरे लिए ठंडे होने की दवाई लाया हूँ यार। रो पीरो मुझे नहीं ठंडा होना, निकल इधर से। न्यू डेंजरस विलन ले थोड़ा सा और ठंडा हो जा। अबे ले ओए यार, यारो मैं तो इसको ठंडा कर रहा हूँ और ये मेरे को ही मार रहा है। अबे न्यू डेंजरस विलन मेरे लिए तू मिलिट्री बेस बना दे एक रोबोटिक। रो पीरो तू एक बार हाथ तो आ जा, तब बताता हूँ कौन बनाएगा किसके लिए मिलिट्री बेस। अबे वो सब तो ठीक है, तू इतना गुस्से में क्यों है? मेरे को ये तो बता ले, थोड़ा सा और ठंडा हो जा बदतमीज इंसान। यारो ये तो मेरे पीछे ही लग गया, क्या करूँ मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ गया गया क्या? अबे नहीं यार ये तो अभी भी डोल रहा है। अबे घटिया इंसान आदि मानव निकल इधर से। यारो ये तो कुछ भी तरीका अपना लो, इसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है। प्लीज़ भैया मेरे लिए मिलिट्री बेस बना दे यार, समझ कर मेरी प्रॉब्लम को। वो ईविल हल्क मेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे यार ईविल हल्क को तो बाद में छोड़ो, पहले नंबर जे ही मेरे को मारेगा बहुत। अबे सुन ले भैया मेरी बात तो सुन, मेरे का तो ही माथे पे मारा है बहुत जोरों की लगी है। मैं तेरे को छोड़ूंगा ना, इस बार तो ना छोड़ूंगा, निकल यहाँ से घटिया इंसान। मैं कह रहा हूँ तेरे को, तेरे माथे पे गोली मारूंगा तेरे कतई ऐसी कहती। भाग इधरते भाग इधरते, कहाँ गया? अबे इधर उधर क्यों डोलना है? मैं कह रहा हूँ ना मेरे लिए मिलिट्री बेस बना रहे, तेरे दिमाग में समझ में नहीं आती है क्या? यारो अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, इसको थोड़ा और ठंडा करते हैं। अबे यार बस इसने मेरे दिमाग की हटा दी। यारो ये तो हमारे लिए कभी भी मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। अगर हम लोगों को इस डेंजरस विलन से मिलिट्री बेस बनवाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, इसको मैं मार देता हूँ। ओए यार, और इसकी जितनी भी सुपर पावर है ना सब मैं ले लेता हूँ, तब हो सकता है मिलिट्री बेस। यार ये देखो इसकी सुपर पावर, इसके हथौड़े में फटाफट से सब ले लेता हूँ। वाओ क्या मस्त सुपर पावर मिली है यार मेरे को, तुम लोग खुद देखो। ओ इस ज़ॉम्बी का क्या हाल कर दिया मैंने, कितनी दूर उड़ के गया था। भागो यार इधर से। यार हम लोग बाइस टाउन में आ गए फिर से, वैसे हम लोग बाइस टाउन में ही थे। यारो अब चलते हैं सबसे पहले हम लोग मिलिट्री बेस। मैंने ना उस गोस्ट राइडर को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी मिलिट्री बेस पहुंचता ही होगा। जैसे ही वो मिलिट्री बेस पहुंच जाएगा हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यार मेरे को एक सुपर बाइक की ज़रूरत है, मेरे को यार सुपर बाइक चाहिए तो चाहिए, क्योंकि यार कतई मैं न्यू डेंजरस विलन की सुपर पावर है मेरे अंडर, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ इस समय, तुम लोग जानते हो। पर मेरे पास कोई बाइक नहीं है, कतई सुपर बाइक तो होनी चाहिए ना, स्केट बोर्ड कतई अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं यार यहाँ पर ढूंढते हैं, कोई ना कोई न्यू बाइक तो मेरे को मिल ही जाएगी। यहाँ पर तो सब कारें हैं, कोई यहाँ पर सुपर बाइक क्यों नहीं रखता? अबे कोई सुपर बाइक है क्या? ये रेड कलर की घटिया बाइक मेरे को ये नहीं चाहिए, इससे बढ़िया तो कोई कार ले लूँ मैं। ये ब्लैक कलर की कार कैसी है? नहीं यार ये भी बेकार है, क्या करूँ मेरे को सुपर बाइक चाहिए, सुपर बाइक नहीं है एक तो यहाँ पर कहीं पर। हाँ एक मिनट, अबे ये तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी, फिर कहाँ से आ गई? मेरी आँखें धोखा खा रही हैं क्या? खैर जो भी हो मस्त बाइक है, इसी पे बैठ जाते हैं और चलते हैं बाइस टाउन के मिलिट्री बेस पे। हम लोग है ना ईविल हल्क के मिलिट्री बेस पे चलते हैं, उस पे सबसे पहले कब्जा करेंगे, उसको बनाएंगे एक रोबोटिक मिलिट्री बेस। मैंने गोस्ट राइडर को तो फ़ोन कर दिया है, वो भी उस ईविल हल्क के मिलिट्री बेस में पहुँचता ही होगा अपनी सबसे पावरफुल कार बम्बलबी को लेकर। चलो यार फटाफट से चलते हैं। खैर यारो तुम लोग ये सब छोड़ो, इन पुलिस वालों से बच के निकल जाऊँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। पर यार ये पुलिस वाले भी अब मेरा अगाई करेंगे। अरे रे पहले नंबर तो मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहिए था मेरे को, सही बात है। यारो जल्दी चलते मोटरसाइकिल के पास। अबे यार तू बार बार ठुकती क्यों रहती है मेरे को ये बता। यारो ये सब छोड़ो और ये देखो हम लोग आखिरकार आने वाले हैं मिलिट्री बेस के पास, कतई सीधे ही मिलिट्री बेस है वो देखो। हाँ मिलिट्री बेस कितना मस्त दिख रहा है दूर से ही मस्त दिखता है, पास जाओ तो कतई मारने को दौड़ते हैं सारे के सारे सोल्जर। यारो वैसे तुम लोग ये सब छोड़ो, हम लोगों ने उस गोस्ट राइडर को फ़ोन करके बुला तो लिया था, लेकिन ये गोस्ट राइडर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मेरे को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। यारो खैर ये सब छोड़ो, ये देखो हम लोग आ गए मिलिट्री बेस के पास, लेकिन अभी भी गोस्ट राइडर दिख ही नहीं रहा मेरे को। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? ओए गोस्ट राइडर किधर है बे तू? ओए रो पीरो इधर 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 हूँ यार, कब से खड़ा हूँ तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा अबे तू क्यों चिल्ला कर रहा है बे फालतू में?
यार गोस्ट राइडर ने हमसे कहा है कि रोपीरो तू फटाफट से इस मिलिट्री बेस पे कब्जा कर, मैं ना दूसरे मिलिट्री बेस पे जाता हूँ और बाकी पूरी की पूरी सोल्जरों को ख़त्म कर देता हूँ, कतई मिलिट्री बेस तहस नहस कर देता हूँ, फिर हम लोग बनाएंगे न्यू मिलिट्री बेस। वैसे तुम लोग इन वीडियो को देखो जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है, क्योंकि ये भी गजब की वीडियो है, ठीक है ना। तो गुड डे आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे आ रहा हूँ। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं यार, शेयर कर दो प्लीज़।